ये गाड़ी है फिएट पुंटो और आज की वीडियो में हम इसकी क्लच ब्लीडिंग करेंगे। देखिए आप सब देखोगे इस जगह इसका सिस्टम है पूरा क्लच का। ट्रांसमिशन के अंदर ओनली बैरिंग दी गई है। इस जगह आप सब देखोगे डस्ट कैप है। इस कैप को आपको रिमूव करना है। आप सब देखो काफ़ी केयरफुल तरीके से रिमूव करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और पार्ट्स भी डैमेज ना हो। आप सब देखो कैप इस तरीके से रिमूव करना है। जो ये लॉक है ये आप सब देखो ये इस लॉक को ऊपर प्रेस करना है। इस तरीके से आपको पाइप फिट करना है। देखिए आप सब देखो बिना आप पाइप के भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है इस लॉक को ऊपर प्रेस करना है और पाइप को हल्का बाहर की तरफ खींचना है। ये आप सब देखो ये इस तरीके से। अब जो एयर है ये आप सब देखोगे एयर आना स्टार्ट हो जाएगी। और कभी भी आप जब एयर ब्लीडिंग करोगे तब आपको ध्यान देना है उसमें जो ऑयल है बिल्कुल फुल होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। ये आप सब देखोगे ये ऑयल फ्लो होगा इस जगह से, धीरे धीरे फ्लो होता जाएगा और जितनी भी सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। जब कंप्लीट बबल्स आना बंद हो जाए तब इस पाइप को अंदर की तरफ आपको प्रेस करना है इस पाइप को, और लॉक को नीचे की तरफ प्रेस कर देना है जिससे कि ये पाइप बाहर ना आए। ये आप सब देखोगे अभी इतना फ्लो हो रहा है इस जगह, धीरे धीरे ये पूरा उस जगह फ्लो होगा। कोई भी आपको पाइप इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको इजीली दिखे, नहीं तो अगर हम ऐसे भी निकाल सकते थे वहाँ से कुछ ज़्यादा ही वो ब्रेक ऑयल ट्रांसमिशन पे हो जाता है। वो गाड़ी है फिएट पुंटो डीजल इंजन मल्टी जेट आप सब देखोगे। और उस जगह आपको जो ऑयल है वो बिल्कुल फुल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए जब भी आप एयर ब्लीडिंग करते हो उस वक्त। आप सब देखोगे ये धीरे धीरे फ्लो हुआ, ये देखिए जो ब्रेक ऑयल है आप सब देखो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है और वहाँ से कम होता जाएगा और यहाँ से बाहर आता जाएगा और जितनी भी एयर होगी सिस्टम में वो कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से एयर ब्लीडिंग की जाती है। और गाड़ी है फिएट पुंटो डीजल इंजन। उसके बाद जब कंप्लीट ब्लीडिंग हो जाए तब आपको क्या करना है ये जो पाइप है इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। ये आप सब देखो इस तरीके से ये प्रेस हो गया। उसके बाद जो लॉक है इस लॉक को नीचे की तरफ प्रेस करना है ये, ताकि जो पाइप है ये बाहर ना आए। ये आप सब देखोगे इस तरीके से एयर ब्लीडिंग की जाती है। और ये थी फोर्ड पुंटो। उसके बाद जो आपका ये डस्ट कैप है ये आप सब देखोगे इस जगह से कोई फ्यूल नहीं आ रहा बाहर। इस कैप को डस्ट कैप को वापस पैक कर देना है और पाइप देखना बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि भैया आप सब देखोगे एक बार गेट ऑफ करते ये आप सब देखोगे ये पूरा इसका ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच पैडल, ये तीनों पैडल दिए गए हैं इसमें। ये जो पैडल है आप सब देखोगे ये आप प्रॉपरली वर्क करेगा। जब ये होगी सिस्टम में या सिस्टम डिफेक्ट होगा तो बिल्कुल पैडल अंदर की तरफ प्रेस ही रहेगा, बिल्कुल फ्री होगा। ये देखो अभी कितना हार्ड है, ये इस चीज़ को देखो आप सब। और ये थी फिएट गियर। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तब चेक होंगे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ऐसे एयर ब्लीडिंग की जाती है इन गाड़ियों में और ध्यान रखें कभी भी प्रिकॉशन ज़रूर अपनाएं, कोई भी लॉक वगैरह कोई डिफेक्ट ना हो, काफ़ी केयरफुल तरीके से रिमूव करने, नहीं तो जो सिस्टम है पूरा बिल्कुल फेल्ड हो जाएगा, वो पार्ट्स फिर रिप्लेस होगा। और ये थी फिएट पोंटो।